प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की। हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। हम डिराइव करेंगे आर इज इक्वल टू ई माइनस वी ओवर वी इंटू आर। आइए जाने कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। बच्चों, आप जानते हैं कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स परफेक्टली कंडक्टिव तो नहीं होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। सो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब रेजिस्टेंस तो होता ही है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। आइए आप जानते हैं कि ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज एन ओपन सर्किट, दैट इज व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जैसे कि हमने ये सेल ले लिया और इसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा ईएमएफ ऑफ द सेल ई। अब देखिए कि ये यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि वोल्ट मीटर भी बहुत हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। थ्योरेटिकली इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। तो ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा ईएमएफ ऑफ द सेल। या हम एक और सर्किट ले लेते हैं। अब जब तक हम यहाँ इस की में प्लग इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस केस में वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्ट मीटर विल मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल ई। अब जब हम इस की में प्लग इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा? ये सर्किट क्लोज हो गया और इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। अब मान लीजिए कि करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है। बच्चों, एक चीज आपने याद रखनी है कि करंट ऑलवेज एंटर्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द रेजिस्टेंस। अब यहाँ सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अब इस रेजिस्टेंस में से भी, ये हमने यहाँ सेपरेटली शो किया है, इस रेजिस्टेंस में से भी जब करंट फ्लो करेगा तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव। अब ये वोल्टेज डिवेलप हो जाएगी इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कितनी वोल्टेज? जब करंट आई फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में तो आई इंटू आर वोल्टेज डिवेलप हो जाएगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहाँ भी वोल्टेज डिवेलप होगी, वो होगी वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्यों आया ये पोटेंशियल डिफरेंस? एक्चुअली ये जो है थोड़ा सा कम आता है ईएमएफ से। ईएमएफ और वी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब हमने करंट ड्रॉ किया सेल से तो रीडिंग ये आ रही है। जब तक करंट नहीं ड्रॉ किया था, प्लग इंसर्ट नहीं किया था, तब तक वैल्यू दे रहा था वोल्ट मीटर ई। ई इज मोर देन वी। अब क्यों? मैंने आपको बताया कि यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा सेल के अंदर तो आई आर वोल्टेज डिवेलप हो जाएगी अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस ये वाली वोल्टेज डिवेलप हो गई आई इंटू आर। और देखिए कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है। इधर ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और यहाँ ये नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज आई आर डिवेलप हो गई अपोजिट टू ई एम एफ ई। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? बाय एन अमाउंट आई इंटू आर। तो वी कितना आएगा? वी इज इक्वल टू ई माइनस
आई इन टू आर। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आई आर डिवेलप यहाँ होता है सेल के अंदर और ये इसकी वोल्टेज को ईएमएफ को कम कर देता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई आर को इस तरफ ले लेंगे, आई आर इज इक्वल टू ये इधर आ गया ई माइनस वी। देखिए ये पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर चाहे यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, ये है वी इज इक्वल टू आर आई। यहाँ से हम आई फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ से आर कितना आया, ई माइनस वी ओवर आई। आई की वैल्यू लगाते हैं, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो आर कितना आ गया, ई माइनस वी ओवर आई की जगह वी ओवर आर, तो ये आ गया ई माइनस वी ओवर वी इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू ई ओवर वी माइनस वन इंटू आर। तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड, थैंक यू।